तो देखिए हम लोग क्या करना है, अब निकालना है दशमलव प्रसार पर। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर टू में बोला है कि ऊपर दिए गए परिमेय संख्याओं को क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है, वो भी जो शांत होगा। तो शांत का उसमें तो क्या था कि बताना था कि दशमलव प्रसार कौन शांत है कौन अशांत है, इसमें निकालना है दशमलव प्रसार निकालना है, ठीक है। तो उसमें किसी कोई प्रॉब्लम आ गया था इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बन पाया था, 7/80। इसको हम बना देते हैं, ये आप लोग बना लिए होंगे, देखिए ध्यान से क्या है, पी बटा क्यू और क्या लिखेंगे, पी बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m और 7 लिख देंगे पी का मान, और ये 80 जो है इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 80 का गुणनखंडन कितना आएगा, देखिए तो 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, अभी 2 का 4 2 के पावर 4 और 5 के पावर कितना है, 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया, शांत या आसान, शांत होगा, क्या होगा, शांत, क्योंकि 2 और 5 के रूप में अशांत कब होगा, जब ये दोनों के अलावा कोई दूसरा चला है, ये दोनों भी रहेगा दूसरा चलाएगा, दोनों नहीं भी रहेगा दूसरा चलाएगा, 3, 5, 7 दूसरा अंक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अशांत। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए तो हम लोग दशमलव प्रसार निकालना सीखते हैं, बहुत आसान तरीका से सिखाएंगे, ध्यान से देखिए। अब कौन कौन शांत है, शांत है ये, शांत है आपका ये, शांत है और ये आपका शांत है, ये भी शांत है और ये शांत है, ये शांत है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं, दशमलव प्रसार निकालते हैं, ध्यान से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 13/3125, पहला स्टेप वही रहेगा पी बटा क्यू, दूसरा स्टेप वही रहेगा पी बटा 2 के पावर m n इंटू 5 के पावर m, तीसरा स्टेप वही रहेगा, पहले तो देखना है 13 लिख देना है और क्या करना है, तीसरा स्टेप भी सेम वही तो जाना है, 3125 को और अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 एक को बार नहीं आएगा, 2 0, 5 लेकिन क्या बार आएगा, 5 बार आएगा, 5 कितने बार आएगा करके देख लीजिए, 3125 का गुणनखंडन करके देख लीजिए, 5 से आएगा 625, 5 से 125, 5 से 25 और 5 से 5, ठीक है। 5 कितना बार आया, 5 बार आया। अब देख लीजिए ध्यान से गुणनखंडन कर लीजिएगा, अब क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालेगा ये शांत से, अब बिना भाग दिए निकालना है, भाग देना नहीं तो भाग देते, दराग से भाग देकर निकाल देते दशमलव तो बेटा। अब देखिएगा क्यू का मान जितना 2 के पावर रहेगा उतना ही 5 के पावर करना होगा, या जितना 5 के पावर रहेगा उतना ही 2 के पावर करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 एक को नहीं है, यहाँ 5 क्या गो है, 5 गो, तो 2 भी क्या गो करना पड़ेगा, 5 गो, 5 5 गो है तो 2 भी क्या गो करना पड़ेगा, 5 गो। तो आइए लिखते हैं हम लोग 13/2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5, इंटू के जब आप गुना भी दे सकते हैं, ठीक है। अब 2 के पावर नीचे हम 5 बढ़ाए हैं तो ऊपर भी 2 के पावर 5 बढ़ाना पड़ेगा, दोनों इस 2 के पावर 5 से 2 के पावर 5 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 5 के पावर 5 और 13 ना। अब देखिए आसान कितना हो गया, अभी 13 × 2 के पावर 5 को गुना कर दे कितना होगा, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 कितना हुआ, 32। और अब देखिए दोनों अब क्या है, पावर सेम है तो बेस को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी कि दोनों के जो पावर है सेम है तो 2 × 5 ऊपर 5 क्या है कॉमन ले लेंगे दोनों के पावर को, इतना आसान हो गया। इसलिए ना हम क्या किए हैं कि नीचे वाला जो क्यू का मान है तो जितना 2 के पावर रहेगा उतना ही 5 के पावर करना पड़ेगा, या जितना 5 के पावर उतना ही 2 के पावर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से क्या है, 13 को 32 से अगर गुना करेंगे कितना होगा, 32 × 96 9, 32 से कम 32 9 कितना होता है, 41 ना, या 13 × 26 13 × 39 और 41, अभी 2 × 5 = 10, 10 के पावर कितना, 5, 416 कितना हो जाएगा, 10 के पावर 5 यानी कि क्या को सुनना, 5 को सुनना। अब देखिए कितना आसान त्रिक, ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4 5 को सुनना है ना, तो इधर से 5 अंक छोड़ दीजिए, 6 हो गया, 1 हो गया बच्चा, 3 एक हो गया, 2 को कहाँ से लाएंगे, 2 को सुनना देना दीजिए, अब दशमलव दे दीजिए, 0 नहीं भी दीजिएगा चलेगा, 0 दे भी दीजिएगा चलेगा, ये आपका आंसर हो गया, है ना बहुत आसान। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए अपने समझ में आ जाएगा, 17/8 क्या है, 17/8 तो P बटा Q सेम लिखाएगा, P/2 के पावर n × 5 के पावर m वही लिखाएगा, जितना शांत आसान निकाले करते उतना तो निकाल लीजिए पहले उसको,
अब 17/2 के पावर 3 × 5 के पावर 0 कहां से लाई? 8 का गुणन खंडन किए नहीं पता है, 8 का गुणन खंडन किए तो क्या आया 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0, 5 एको को नहीं 8 के गुणन खंडन में। अब देखिए ध्यान से क्या करना है अगला स्टेप कि 2 जितना है उतना ही 5 करना है या 5 जितना रहेगा उतना 2 करना है, तो 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 कर दीजिए। 17/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3, तो जैसे नीचे 5 के पावर 3 किया है तो ऊपर ही 5 के पावर 3 करना पड़ेगा ना, ना ना ऊपर नीचे गुना करे या घटाए या जोड़े कुछ भी संख्या बात बराबर होता है। अब देखिए ध्यान से, अब 17 × कितना हो जाएगा 125, क्योंकि 5 का क्यूब 125 और 2 × 5 तो 2 × 5 के पावर कितना, 2 × 5 के पावर कितना 3, ऊपर 3 को मान लीजिए ना, हर आसान। अब 2×5 कितना हो गया, ये 17 को 125, 17×5 85, 17 × 2 = 34, 34 = 8 = 42, 17×17 = 21, 125 और 2×5 = 10 3, तो क्या हो गया 2125/10³ कितना होगा 1000। क्या वो है 1 2 3 को सुनना, तो क्या वो हम छोड़ देंगे इधर से 3 × 5 2 1 1 2 3 वहाँ घुन गया, दशमलव दे दीजिए हो गया दशमलव पर सार यही, अब भाग दीजिएगा तो भी इतना ही आएगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, अब तो क्लियरली समझ में आएगा आ गया होगा, यहाँ तक के तो आप लोगों को तो अभी करता है कर ले, यहाँ तक के तो आप लोगों को आता है कि नहीं आता है, 100% आता है। ये 15/ कितना है 600, तो इसको तो नहीं निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, आसान थोड़ी ना भाई, निकाल सकते हैं, काटिए 5 से 5 3 15 और 15/1600 है 1600, तो ये हो गया आपका 320, 3/320। आइए लिखिए P/Q (P/2^(n)×5^(m), P के मान कितना 3 × 3 डाल दीजिए। अब क्या कीजिए, अब 320 का गुणन खंडन करने आता है कि नहीं करने आता है, वे करता होगा, इससे पहले भाज्य गुणन खंडन नहीं करना आता जाकर देख लीजिएगा, बहुत आसान विधि सिखाए, आता होगा सबको भाज्य गुणन खंडन, 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से, यानी 6 बार 2 आया और 5 क्या बार आया 1 बार आया। आइए ये लंबा प्रोसेस में गुना जाएगा भाई, देखिए इतना आसान कर देते हैं इसको, अब 2 का 6 तो दशमलव प्रसार निकलना है, शांत शांत ये बता दे कि शांत है, दशमलव प्रसार निकलना है तो क्या 2 का 6 तो 5 का 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। आइए 3/2 × 6 गुना 5 के पावर 6, 5 एगो पहले से था, 5 का 2 बढ़ाए हैं, 5 को बढ़ाए हैं, तो 5 के पावर कितना देंगे 5, नहीं तो 5 के पावर 6 तो ऊपर दे दीजिए 5 के पावर 6, जैसे यहाँ 5 के पावर 3 तो ऊपर 5 के पावर 3, 2 के पावर 5 ऊपर 2 के पावर 5, ऐसे 5 के पावर 6 तो 5 के पावर 6 गलत, यहाँ 1 को 2 नहीं था, यहाँ क्या नहीं था, यहाँ 1 को 2 नहीं था, 2 के पावर 5, यहाँ भी 2 के पावर 5, यहाँ 5 एको को नहीं था तो 5 3 को बढ़ाया था, यहाँ 5 ऑलरेडी एगो है पहले से, तो कहो 5 जरूरी है हम लोगों को, कहो 5 एगो जरूरी हुआ। अब देखिए 5 के पावर 5 कितना होता है 3125, देखिए 5 के पावर 5, आइए यहाँ से करते हैं, 3 × 5 के पावर 5 3125/2 × 5 के पावर 6 3193 यानी 3193/75/2×10^6 9375 क्या वो एक बार क्या वो सुनना, बहुत आसान तरीका है बताने का, ध्यान समझिए, क्या वो सुनना 1 2 3 4 5 6 पुराइए। आइए एगो 5 हुआ, एगो 7 हुआ, एगो 3, एगो 9, क्या गो अंक हुआ, रैंक क्या गो हुआ 9375, रैंक क्या गो हुआ 1 2 3 4 एगो न हुआ, 6 पुराना है कैसे पुराएगा, मन में सोचो ना कि 2 सुनना दे देंगे, हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया, अब एगो सुना दे दीजिए, हो गया दशमलव के बाद 6 यही आंसर हुआ, काट खोट नहीं करना है ठीक है, तो पॉज कीजिए इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से,
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर छ है, क्योंकि तो आसान था, आसान का तो निकलेगा नहीं, चिल्ला कर आ जाइएगा नहीं निकलेगा। 23/2 × 5/2, तो देखिए ये तो ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ, सारा कुछ किया हुआ है, 2 × 3 = 5 × 2 है, खाली क्या कर देंगे हम लोग, 2 × 3 = 5 × 3 कर देंगे, पावर को खाली सेम करना है, पावर को खाली बराबर करना है ना, तो 23 / क्या कर देंगे, 2 × 3 × 5/3, 5 के पावर ऊपर कैसे गुना करेंगे बोलो तो, 5 के पावर 3 से, गधे कहीं के, 5 के पावर 3 से नहीं, 5 के पावर 2 है, क्या करेंगे, 5 के पावर 1, 5 तो हमें क्यों ना बनाए हैं, 2 ऑलरेडी था पहले से, 5 के पावर 1 क्यों ना बनाए हैं, तो क्या करेंगे 23 × 5/2 क्या हो जाएगा, 2 × 5 / 3, 23 × 5 कितना होता है, 20 × 5 = 100, 3 × 5 = 15, 115, 2 × 5 = 10 कितना, 3, चलिए आइए ध्यान से, 115 कितना हो जाएगा, 10 × 3 तो 1000, तो 1, 2, 3 को सुनना, तो उधर से 3 को सुनो, तो 3 को बताइए, दशमलव लगा दो, नहीं तो इधर 0 दे दो, कोई दिक्कत, 0 नहीं भी देगा चलेगा, देगा भी तो भी चलेगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन साथ में है, नहीं 7 वाला भी क्या है, क्योंकि नीचे 7 है तो आसान था, आइए 6/15 करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर है, 6/15 इसका करेंगे नहीं कर पाएंगे, करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, काटेंगे पहले 3 से 3 × 6 = 3/5 = 15, 2/5 क्या हो जाएगा, 2/5 तो पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, पी के मान कितना है, नहीं अभी नहीं लिखेंगे, पहले 2 × n × 5 क्या होगा, m होगा, अब देखिए ध्यान से, p के मान 2 जो है वो लिख देंगे 2, और q के मान जो क्या है 2 × n × 5 m, तो ये क्या 2 को है, इसमें 5 का गुणन खंडन करेंगे तो को 2 आएगा, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में, देखिए इसको p/q के रूप में लिखेंगे, p/2 × n × 5 m के रूप में लिखेंगे, अब क्या करते हैं, p के मान जो 2 है वो लिख देंगे, और ये 2 × 3 × 2 n और 5 × m है, तो क्या करेंगे, ये 5 जो है उसको क्या करेंगे, गुणनखंडन करेंगे, 2 एको थोड़ी ना आएगा इसमें, क्या आएगा, 5 ने एक बार आएगा, तो देखिए 2 एको बार नहीं है, 5 के बार 1 बार है, तो 2 एक बार ले आइए, 2 × 5 = 1, अब 2 एको बार आया तो ऊपर भी 2 एको बढ़ा दीजिए, तो 2 × 2 = 4, और 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 5, 2 × 5 = 10 है ना, तो एगो सुनना है, तो दशमलव के पहले एगो बाद एगो अंक रहने दीजिए, दशमलव के बाद एगो अंक रहने दीजिए, 0.4 हो गया। और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, 35/50, बहुत क्वेश्चन भारती भवन से मिला है, ठीक है, और नहीं होगा तो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो देखिए ध्यान से, जितना क्वेश्चन कीजिएगा उतना नॉलेज बढ़ेगा, तो इसको काटिए पहले, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 50, 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 50, p/q p/2 × n × 5 m, और देखिए 7/ इसको तोड़ेंगे तो 2 एगो और 5 एगो, इतना आसान क्वेश्चन दे दिया, दोनों बराबर है, कुछ करना ही नहीं है, 7/ क्या हो गया 10, यानी एगो सुनना है, एगो देखिए आप सोच रहे होंगे कि गुरु जी तो यही आंसर निकाल देते, क्योंकि 0 है, अरे बेवकूफ इतना यही को 2 नंबर देगा, 2 नंबर इतना कर देगा बोर्ड, ये लाइन लिखना पड़ेगा, जब तक नहीं लिखेगा 2 नंबर कैसे दे देगा। आइए एगो सुनना है, तो दशमलव से पहले दशमलव के बाद एगो अंक होना चाहिए, एगो सुनना है नीचे हर में, तो दशमलव का एगो अंक होना चाहिए, हो गया। अब चलिए कुछ भारती भवन से क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ भारती भवन से क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन लेंगे, क्या 3/3/8, 3/3/8 क्या होगा, 8 × 3 = 24 आता है कि नहीं आता है, नहीं आता होगा, आता होगा, 3 × 24 = 3 = 27/8 कटेगा, नहीं कटेगा, डायरेक्ट लिखो p/q के रूप में, पहले तो पहुंच करके बना लो उसके बाद देखना। अब क्या करना है, p/2 × n × 5 m करेंगे, और p का मान कितना है 27 वो डाल देंगे, और q का मान कितना है 8, 8 को गुणन खंडन करना है, तो 8 का गुणन खंडन करेंगे, तो अभी तक तो आ गया होगा, याद हो गया होगा, दिमाग में आ गया होगा कि 2 × 3 आता है, 5 × 1 को नहीं आता है, 0, तो अब क्या करेंगे, 2 × 3 है तो 5 × 3 करना पड़ेगा ना, कि तब ना निकालेंगे दशमलव प्रसार, तो 27/ क्या करेंगे, 2 × 3 × 5 / 3, और जब 5 के पावर नीचे 3 बढ़ाए तो पूरा 3 बढ़ा दीजिए,
पाँच के पावर तीन, तो क्या हो जाएगा 27 गुना पाँच के पावर तीन कितना होता है 125 ना, तो दो पंचे 10 उसके पावर के पाँच, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, दो गुने पाँच के पावर तीन, तो 27 को 25 से गुना करेंगे ना, तो गुना करते हैं 27 पचे कितना होता है 125 सौ पच्चीस, चलिए गुना कर देते हैं 125 को 27 से अगर गुना करते हैं 7 पचे 35, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 7 दूना 14 317 और 7 एकम 7 एक 8, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2 5 7 8 5 13, 2 1 3, 3375 कितना आया 3375 बटा में 2 पंचे 10 के पावर 3, तो 3375 बटा 10 के पावर 3 कितना हो जाएगा 1000 हुआ कि नहीं, क्या को सुनना है 1 2 3 को सुनना है, तो उधर से क्या को करेंगे 3 गो अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 5 7 3 दशमलव दे दीजिए उसके बाद आंसर, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हुआ, नहीं समझ में आया होगा कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन भेजिएगा, हम बना के भेजेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम लोग चलेंगे बहुपद पे, ठीक है, तो इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए और पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।